बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बोल नाइट्स विद अहसन खान में आपका वेलकम करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे जनाब। और एक दो चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो ये कि बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम इस शो में बैठ के दूसरे चैनल्स की भी बात कर लेते हैं। तो ये मैंने एक ऐसा चैनल देखा है बोल टीवी जो है कि ये कभी हमें मना नहीं करता, इनको कोई एतराज़ नहीं होता दूसरे चैनल्स के नाम भी लें, उनकी तारीफ़ भी करें और उनका काम भी डिस्कस करें, उनके लोगों को भी बुलाएं। तो विच इज़ वंडरफुल। आई थिंक अगर ये तमाम चैनल्स मिलके बहुत अच्छा काम करें, बहुत सी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान का शोबिज़, हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे मुझे लगता है जा चुकी है इंटरनेशनली, बिकॉज़ मेरा एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग का रहता है। तो मुझे लगता है कि बाहर के लोग बहुत देखते हैं, नॉट ओनली पाकिस्तानीज बट इंडियंस, अफगानिस्तान में, ईरान में, यूएई में, कहीं बहुत मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग भी हमारा काम बड़ा सराहते हैं, पसंद करते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव बात होती है कि सब लोग अच्छी अच्छी बातें सिर्फ करें और नेगेटिव बातें ना करें तो अच्छा रहता है। अच्छा जनाब, जब हम अपने शोबिज़ की बात करते हैं तो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं शोबिज़ में, बल्कि बहुत से लोग मैं तो कहूँगा ऐसे हैं कि जिनके बगैर ये जो हमारी फील्ड है ये नामुकम्मल है। यानी अगर उन लोगों को, कुछ ऐसे लोग, अगर उन लोगों को आप इस फील्ड से बाहर निकाल दें तो ये खोखली हो जाएगी। यकीनन मैं अपने सीनियर्स की बात कर रहा हूँ, यंगर लॉट में भी बहुत लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको तो हम डिस्कस करेंगे ही। बट कुछ सीनियर्स, कुछ साल पुराने या ज़रा ज़्यादा पुराने या बहुत पुराने जो काम कर रहे हैं, बहुत तजर्बेकार जो लोग हैं, जो इस फील्ड में जिन्होंने नाम बनाया, काम किया, अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक है और ऐसा अच्छा अच्छा काम किया कि वो अगर 30 साल पुराना भी है या 25 साल पुराना भी है तो लोगों के दिलों में वो घर कर चुका है उनका काम। तो ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं तो उनका बड़ा फीडबैक मुझे मिलता है जब हमारे सीनियर्स यहाँ पे आते हैं, तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा होता है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के दौर है तो हम समझते हैं कि बस सोशल मीडिया पर जिसकी तस्वीरें ज़्यादा लग रही हैं वही इन है और उन्हीं के लोग पसंद करते हैं। लेकिन जब हमारे सीनियर्स यहाँ पे आते हैं जिनका दूर दूर सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनका जब फीडबैक आता है, उनको आप लोग इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार उनके साथ करते हैं, तो फिर मुझे एक तसल्ली भी होती है कि यार जिन्होंने अच्छा काम किया है वो याद ज़रूर रहते हैं हमेशा। तो आज हमारे इस शो में दो नाम ऐसे हैं जो बड़े, एक तो एक्टर्स तो हैं ही अच्छे, मतलब इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं, लेकिन एक अच्छे अदाकार होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अब ये दोनों, दे आर ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग्स एंड आई पर्सनली बिकॉज आई वर्क विद देम सो मच, और मैंने जब काम शुरू भी किया और मेरे शुरू के जो चंद साल हैं 5-7 साल इनके साथ बहुत ज़्यादा गुजरे हैं। तो सेट पे हों, सेट से अलग हों और वैसे भी जनरली आम जिंदगी में जब मैं देखता हूँ तो दे वेरी इंप्रेसिव, दे आर अमेजिंग पीपल। तो मैंने सोचा इन अमेजिंग लोगों को आपसे मिलवाते हैं, तो देखते हैं जी पहले हमारे पास किन का पैकेज। जी जनाब, तो सबसे पहले वेलकम करते हैं रुबीना अशरफ को। अस्सलाम वालेकुम। हाय हैंडसम। एंड यू आर लुकिंग गॉर्जियस एज ऑलवेज। अब बैठिए, तशरीफ रखिए, यहाँ बैठे, वहां बैठे, जहां आपका दिल कर रहा है बैठे। आई डोंट नो, एक तो मैं, आप योर यंग एज एवर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, और एक्चुअली आई मीन इट, बिकॉज जब ये कभी हमारी या हमारे लीग की कभी माँ बनाते हैं इनको, तो मैं कहता हूँ यार ये तो हमें शर्म आ रही है, इतनी दुबली पतली है और अभी और फिट लग रही है पहले से। तो यू लुकिंग वंडरफुल यार। थैंक यू, गुड टू सी यू, सो गुड टू सी यू। आई थिंक लास्ट हमने जो काम किया था, मेरे चारा घर, मेरे चारा घर। हाँ, सोचो 100 साल पहले मिले थे। और अक्सर मैं सोचती हूँ कि हम बहुत थोड़े से एक्टर्स हैं, है ना, लेकिन हम 6-5 साल बाद अगर मिल रहे हैं आपस में और काम 5-6 साल बाद भी नहीं कर रहे, इसका मतलब है बहुत एक्टर्स, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, नहीं काफी है, काफी है। कभी ये होता है क्योंकि रोलिंग में हम बार बार एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे, एक दूसरे के साथ शुरू में ज्यादा आते थे। मैं अपने करियर की बात कर रहा हूं। हां, अब बहुत है माशाल्लाह, ठीक है, जबरदस्त। हाँ, यानी थिंग्स आर ग्रोइंग, यू बेहतरीन है। हाँ, अच्छा, हमारी एक और दोस्त है हमारे साथ जो आपकी बड़ी दोस्त है, हमारी बहुत दोस्त है, और शी इज अ
वंडरफुल पर्सन. मैंने इनके साथ जब शूटिंग करता हूँ ना, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना मजे का कि ये हर वक्त हंसाती रहती हैं ऑनेस्टली. तो देखते हैं इनका एक पैकेज. जनाब प्लीज वेलकम शगुफ्ता एजाज. यार ये बड़ी दौड़. मुझे बहुत खुशी है कि आप दौड़ी हैं. इंशाल्लाह दौड़ूंगी. करो नहीं अभी इधर से ना दौड़ना यार. इधर से नहीं. अच्छा आपसे मुलाकात हो रही है. लास्ट काम कौन सा किया था हमने? मेरे कातिल मेरे दिलदार. पुप्पी बनी थी मेरी. तब की पहले इतनी ये जालिम पुप्पी उसे बनी है कि आज तक वो जुल्म पुप्पी बनी थी है ना. आई थिंक यू वन एन अवार्ड फॉर दैट आल्सो. छाप लग गई है मुझे वाकई. हाँ लोग अभी भी याद करते हैं. याद करते हैं. और उस तरह का कैरेक्टर होता है तो वो फौरन कहते हैं कि हाँ पुप्पो को बुलाओ, पुप्पो को बुलाओ. और कभी कभी तो मुझे ऐसे बंदों की पुप्पो बनाते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं किसी दरिया में डूब जाऊं. लेकिन आपने पुप्पियों को बदनाम कर दिया यार. इतना बुरा भी रिश्ता नहीं है. बदनाम है तो लिखा है ना राइटर ने. क्या करें पुप्पियों के ट्रोल्स, पुप्पियों के मीम्स नहीं देखे तुमने? पुप्पियां बेचारी वैसे बदनाम है. सही है. अच्छा मैं थोड़ा ये पूछना चाहूंगा, योर फर्स्ट वेरी फर्स्ट प्ले जो आपको लगता है कि जो जिससे मुझे शनाख्त मिली वो कौन सा था? अच्छा अब ये ना बड़ा गंभीर सवाल है इसलिए कि लोगों ने तो मुझे पसंद किया. मेरे पहले प्ले में भी हज़ारों रास्ते जो लाहौर से चला था. देन द कसक पीपल लव्ड. व्हाट आई रिमेंबर इज कसक. यू है ना जिसमें एक बच्चा था तो तुम उस वक्त उतने ही होगे जितना प्रोबेबली. बट आई रिमेंबर कसक. पहले धुआं कह रहा था. नहीं वो नाम नहीं मैंने कब बोला. अच्छा पहले बोला लेकिन नहीं मुझे वही याद है. अब नाम याद आया. And then, मुझे याद है उस जमाने में दुपट्टा लेते थे लड़कियां. हाँ जी सो आई रिमेम्बर. एंड गुरचानी वाज विद मी एंड देयर वाज दिस स्मॉल चाइल्ड. आई नो यार मैं होमवर्क नहीं करके आया लेकिन याद है मुझे. बच्चों को बहुत वो प्ले याद था. बट मुझे जो लगता है मेरा गेम चेंजर था वो पसे आईना था. हाँ पसे आईना में यार कितनी सख्त. मैंने भी की थी दो. यार देखिए तो बहुत डाडी बनी थी. डाडी औरत थी उसमें. डाडी वो बनी हुई थी फुल. हाँ इट वाज अ वेरी गुड. और इट वाज अ लॉन्ग सीरीज. इट वाज इट मेड हिस्ट्री. यस जितनी लंबी वो सीरीज चली थी 50 मिनट की. कोई और नहीं. कितने साल चली थी रुबीना? आई थिंक अबाउट 3 इयर्स. ऐसा काम था कि मुझे लोगों ने बताया कि वो जो ट्रक जाते हैं ना इस्लामाबाद से पेशावर जिनके पीछे एक जमाने में सदर अयूब की तस्वीर होती थी उसमें मेरी भी लगना शुरू हुई. और वर्दी में इंस्पेक्टर आ रही है ठीक करने की. अच्छा आपका जो प्ले मुझे याद है ना आंच. That was of my course. debut. It was your debut. debut. पहला What? था वैसे जांगलूस. हाँ जांगलूस was the first. लेकिन जो popular पहचान थी वो. पहचान आज. यार क्या play था यार वो. और क्या अदाकारी थी आपकी. It was actually game changer का ना रुबीना. It was a life changer. Really? ऐसे ही होता है. इसलिए कि उस जमाने में एक तो चैनल ही एक था. उसकी व्यूअरशिप पूरे पाकिस्तान में गांव में पहाड़ों में समंदरों हर जगह लोग देखते थे. तो मैं पर्सनली ऐसे लोगों से मिली हूँ. इनफैक्ट उस ड्रामे में उसके फीडबैक के बाद और उसके जो मैंने रिजल्ट देखा उसके बाद मैंने कहा कि ये फील्ड कभी नहीं छोड़नी. जो काम हम कर सकते हैं वो एक आम बंदा नहीं कर सकता. मतलब यू टॉकिंग अबाउट अ मैसेज कि उस पैगाम जो लोगों को गया. मैसेज सबक. लोगों की जिंदगियां चेंज हो गई. इतना मैसेज था और वो मतलब रियलिटी बेस्ड था. उस में कहानी में कोई ऐसा वो सुपरनैचुरल या इस तरह का कुछ नहीं था. जो घरों में होता है कि बेटी घर आ गई है वापस तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं. जाहिर है बेटा है बहू उससे जुड़ी हुई है. अगर बहू परेशान है बेटा है माँ बाप को बेटा चाहिए तो वो जो हेल्पलेसनेस है ना माँ बाप की वो उन एपिसोड्स में जब मैं घर आती हूँ वापस इस मान के साथ कि मेरे माँ बाप का घर है मेरे लिए और मैं ये भूल जाती हूँ कि वहाँ मेरी एक भाभी है मेरा भाई है. और मैं जब अपने शौहर का घर छोड़ के आऊंगी तो मेरी स्टैंडिंग मेरी पार वो नहीं रहेगी. ये आज भी होता है इतने सालों बाद भी एक इशू है ना. वो पार्ट देखने के बाद मेरा ख्याल है कोई 50 औरतें तो मुझे मिली हैं और मर्द जिन्होंने कहा जी हमारे तो डिवोर्स केसेस थे वहां पे कोर्ट्स में और वो वापस ले लिया हमारी बीवियों ने. अब हम दोबारा से एक साथ आपके उस प्ले के बाद.
ये तो आपने बड़ा काम कर दिया लोगों का यार। ये कितना एक ये मैसेज था, एक उसमें जो और बहुत स्ट्रांग मैसेज था वो ये था कि एक सौतेली माँ बच्चों के साथ प्यार भी कर सकती है। बिकॉज दैट वाज द मुझे जो मैसेज याद है वो ये था। सही बिल्कुल सही। और वो बहुत प्यारा मैसेज था। ब्यूटीफुल प्ले। अच्छा मैं बहुत लोगों को कसम और क्या शफी थे उसमें क्या मैं इन दोनों प्लेस का लोगों को बोल चुका यार इनका रीमेक बनाओ। हाँ, यानी अब आज का तो बना ना रीमेक। अच्छा मैंने पता है मगर ये वही बात है जैसे किसी ने कौन सा था ये क्या नाम कौन सा भी था इट डजंट मैटर। हाँ बहुत सारे बने ऐसे। आई डोंट ऑनेस्टली नॉट रियली रीमेक बट इट वाज लाइक इंस्पायर्ड बाय हां या इंस्पायर्ड बाय ऐसी चीजों का रीमेक नहीं होता वो है कहीं ना कहीं जैसे तन्हाइयां का किया नहीं होता, नहीं लगा नहीं मतलब होता हो ही नहीं सकता यार बस आईना का नहीं हो सकता। बिल्कुल सही आज भी मैं लोगों को कहती हूँ नहीं हो सकता दे टेल मी कर ले पसे आईना दोबारा ऐसे नहीं हो अच्छा, सकता। एक जो मैं हमेशा से व्हेन आई सी समबडी फ्रॉम गुड फैमिलीज एजुकेटेड गर्ल्स अच्छे खानदान की अच्छी लड़कियां पढ़ी लिखी वो इस फील्ड में आती हैं अब भी तो अब तो चले इस चीज को बड़ा एक बेहतर चीज समझा जाता है बट व्हेन यू गाइस जॉइंड द फील्ड तब थोड़ा सा मुझे लगता है क्योंकि मैं शायद आई वॉज अ किड बट आई स्टिल अंडरस्टैंड के बहुत अच्छी फैमिलीज के लोगों को आने में तकलीफ होती थी या बुरा समझा जाता था या फैमिली प्रेशर होते थे रिश्तेदारों का प्रेशर तो डिड यू फेस दैट प्रेशर एवर व्हेन यू जॉइन द फील्ड क्योंकि उस वही बात है ना कि दिमाग उस वक्त खुले नहीं थे फॉर दिस फील्ड और लगता था कि ये कुछ मायूब काम है और आई रिमेम्बर लोग आपको ऐसे देखते थे कि इजाज़त मिल कैसे गई तो हम बड़े मैं बड़ी ब्लेस थी और मेरे साथ जो भी और लोग थे जिन्होंने उस ज़माने में काम किया इस लिहाज से कि हमारे पेरेंट्स जो थे उनको कोई इशू नहीं था फील्ड के साथ एंड देन वी मे बी मेड अ डिफरेंस वी चेंज द माइंडसेट परसेप्शन क्योंकि लोग आपकी सिर्फ ऑन स्क्रीन जिंदगी नहीं देख रहे होते ऑफ स्क्रीन जिंदगी को भी बहुत माइन्यूटली कर रहे होते हैं ऑब्जर्व और जो व्यूज चेंज होते हैं ना वो उससे होते हैं सो द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी ऑल लेड इट चेंज्ड पीपल्स परसेप्शन अबाउट द फील्ड फॉर यू वाज इट इजी टू जॉइन द फील्ड नहीं नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं नॉट दैट ट्रस्ट नहीं था ये इस तरह से कि लोग क्या कहते हैं लोग अच्छा नहीं समझते तो मेरे अब्बू थे नहीं सऊदी अरेबिया में थे और मुझे बस मुझे लगा कि मैंने अब इसके बगैर रहना ही नहीं तो मैंने बड़ा स्टैंड लिया फिर भूख हड़ताल की और आई वाज 18 अच्छा ओके और मैंने बड़े कमिटमेंट किए अपने पेरेंट्स से पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी मास्टर्स करूँगी उन्होंने कहा कि जी थिएटर की तरफ नहीं जाना वो जो लाइव एक ट्रेंड था वट एवर दे हैड इन द माइंड तो मैंने कहा कि ठीक है उन्होंने कहा फिल्म की तरफ भी नहीं जाना सिर्फ ड्रामा होगा तो वो कमिटमेंट्स करके फिर जब पहला प्ले चला तो उसके बाद बहुत अच्छा लगा उस ज़माने में पीटीवी की पॉलिसीज भी इस तरह की थी कि बड़ा एक फैमिली लाइक सेटअप था और जब मैंने आँच किया पूरा आँच उस ज़माने में तो वो सर पे दुपट्टा एक कंपल्शन थी उसके बगैर तो काम ही नहीं कर सकते थे आप सही इवन हिस्टेरिक हुई मैं सीन्स में अब उसमें बड़ा डिबेट हुआ कि कैसे करेंगे उसमें दुपट्टा संभालेंगे या वो तो फिर खैर उसको इस तरह से मैनेज किया कि जो माँ थी आयशा खान साहिबा वो जहाँ दुपट्टा उतरता था नहीं नहीं बेटा नहीं बेटा तुम तो वो उसको उस तरह से मेरा सर ढक देती थी बिल्कुल नहीं पता चला नहीं नहीं उसमें हाँ। मतलब वहाँ फोकस ही नहीं किया क्योंकि एक्टिंग हाँ। और स्टोरी हाँ। और चीजें इतनी बड़ी होती हैं बाकी सब कुछ इतना बड़ा था अब की काम लोग अच्छा कर रहे हैं आपको लगता है कि आजकल भी वही जैसे ये पुराने प्ले को हम डिस्कस कर रहे हैं पुरानी चीजें आज भी प्ले उतना ही अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है ठीक है आपको भी लगता है बन रहा है उतना अच्छा नहीं बन रहा अच्छा बन रहा है हमारे पास जिस चीज की कमी है एक्टर्स बहुत अच्छे हैं डायरेक्टर अच्छे हैं राइटर्स की कमी है हमारे पास वो जो क्या ऐसा नहीं है कि इतना सॉफ्टवेयर इतने चैनल्स का पेट भरना भी मुश्किल है तो बहुत अच्छा बुरा फिर हो ही जाता है पहले हाँ, एक चीज होती थी हाँ, एक सेमाई में एक सेंटर से एक चीज के ऊपर बड़ा फोकस हुआ अब 50 चीजें ये एवोल्यूशन का एक हिस्सा है ना कि जब आप ऐसे इवॉल्व करोगे कि आप दिन में एक ड्रामा हफ्ते में तो छुट्टी होती थी पीर को मेरा ख्याल टीवी चलता ही नहीं था उस जमाने में और मेरा ख्याल तीन ड्रामे हफ्ते में एक ड्रामा एक दिन में भी नहीं रोज नहीं चलते थे तो वो बिल्कुल फर्क कहानी थी उस वक्त और लोगों की डेडिकेशन थी
सब हम सारे मर रहे होते थे काम करने के लिए। डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं थी ना, कुछ और था ही नहीं, कुछ नहीं, हमारे हाथों में मोबाइल नहीं थे, सबसे बड़ी बात, कोई यूट्यूब, कोई नेटफ्लिक्स, कोई और चैनल्स, जस्ट वन चैनल फॉर एंटरटेनमेंट, एंड इट वाज प्रोवाइडिंग गुड एंटरटेनमेंट। अब के जमाने में ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए एंड द काइंड ऑफ वर्क दैट वी चर्निंग आउट दिन के, इस वक्त सारे चैनल मिला लो तो पता नहीं 50 ही ड्रामे तकरीबन चल रहे हैं, 20 तो लाजिम है। उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि काम जाहिर है कि उसमें गड़बड़ें होंगी, उसमें वो टाइम नहीं दिया जाएगा, राइटर्स को भी मेरा ख्याल है 15 दिन देते होंगे कि स्क्रिप्ट दे दो। हम अगले दिन पता नहीं कौन सा काम करे थे, तो हाँ म्यूज़िक, मैं अपने प्ले का म्यूज़िक जो वो भी रसवाई हम चला रहे हैं उसका म्यूज़िक करने लगी, तो मुझे मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहा कि मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि ड्रामे का गाना चाहिए है, सुबह तक दे देंगे। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। नहीं, और एक गाने से हाँ, पूरा प्ले का हाँ, पूरा चेंज हो सकता है परसेप्शन, अगर हाँ, अच्छा हो हाँ, तो सुपर हिट हो सकता काम मांगता है। तो एक्टर्स, यू थिंक एक्टर्स आर डूइंग जस्टिस दीस डेज? व्हाट डू यू से? बहुत अच्छे, अच्छा काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी अच्छे, हां बहुत, इसमें कोई शक नहीं, दे वेल अवेयर और बड़ा सीख सिखा के आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सीख सिखा के नहीं, हमारे यहाँ तो सारे ये गॉड गिफ्टेड एक्टर्स हैं, कहाँ से सीखेंगे, कोई एकेडमी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब अपनी, मेरा मतलब है कि सेल्फ जो एक ऑब्जर्वेशन होती है उससे बहुत कुछ सीखा होता है उन्होंने, ऑब्जर्वेशन ही है ना, क्या बाकी कैमरे खड़े हो गए, है ना, दे कैन सी सो मच, या एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, अब तो आपके पास हर चीज है, एंड यू लर्निंग फ्रॉम दैट आल्सो, तो वो सब देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं, एंड आई थिंक दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। पुराने एक्टर्स में से मेल फीमेल हु इज योर फेवरेट, पुराने में से अगर आपको कोई हो के व्हेन यू जॉइंड द फील्ड एंड दिस एक्टर एक्ट्रेस, राहत काज़मी। ओके राहत, एंड आई डिड माय फर्स्ट एवर सिंगल प्ले एज अ लीड विद हिम, और आई जस्ट सेड ये क्या कर रहे हैं और क्या एक्टिंग, ही वाज अ गुड लुकिंग गाय आल्सो, ही वाज द बेस्ट लुकिंग गाय एवर, क्रश भी होगा तो सोचा नहीं ना, इतना ऑस्ट्रक थे कि वो क्रश तक तो पहुंचे ही नहीं ना, पहुंच ही नहीं, फीमेल फीमेल नहीं थी कोई, नहीं, सो मेनी, उज़्मा आप आज तक भी हैं मेरी फेवरेट, आज तक अभी भी उनका लास्ट प्ले जो लगा था वो मैंने ऐसे देखा है कि बस मैं उनको देख लूं और आंखें जो हैं वो शराब हो जाएं। वंडरफुल, आप आपकी बताएं मेल और फीमेल वेरी वेरी फेवरेट जो आपको लगा कि जब मैंने फील्ड ज्वाइन की तो इनको देख के लगा कि इस तरह मुझे होना है। वैसे राहत काज़मी वाज माय फेवरेट टू, लेकिन उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया, तो शफी साहब, उसके बाद नुमान एजाज, ओह यस, बहुत अच्छा काम, एंड वी डिड, नुमान इज योर लीग राइट, ही इज नॉट लाइक सीनियर, ही इज लाइक, नहीं नहीं सीनियर नहीं, वो उसी टाइम के, वी डिड सो मेनी प्लेस टुगेदर, नहीं नहीं सीनियर नहीं, अच्छा उनकी बात हो रही है, तो शफी साहब, शफी साहब इज हां सीनियर, ठीक है, और फीमेल खवातीन में शहनाज शेख, अच्छा एब्सोल्युटली बहुत कम काम किया, शी इज वंडरफुल, वैसे बहुत कम नहीं बस दो ड्रामे किए हैं, वही ना यार, मतलब आई विश वी कुड सी हर मोर, ये बड़े मसाले होते हैं। शादी की, शादी के बाद भी आप दोनों की फैमिलीज, यू हैव किड्स, बट कोई ऐसा नहीं हुआ कि काम में ब्रेक लिया या कुछ देर अपनी मर्जी से ब्रेक लिया? जरूरत भी नहीं पड़ी? नेवर, आई नेवर टुक अ ब्रेक, आई नेवर एवर टुक अ ब्रेक, और उस पर फोकस ज्यादा है, बैलेंस करती हूँ, अगर काम शूट ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं उधर भी टाइम देती हूँ, फिर संडेज़, आजकल ये ट्रेंड चल गया कि संडेज़ यूजुअली वी आर ऑफ, शुक्र तो हाँ शुक्र, तो संडेज सैलून के लिए एक चीज़ मुझे जो, क्योंकि ट्रांजिशन एक पीरियड आता है, लाइक यू स्टार्टेड एज हीरोइंस, यंग गर्ल्स हीरोइंस, एंड देन ग्रेजुअली यू वेंट इनटू कैरेक्टर्स जो माओं के कैरेक्टर, हम अभी भी हीरोइंस हैं, सॉरी, आई नो आई नो, आपने देखा नहीं है अभी लास्ट प्ले उसमें दो ही हीरोइंस हैं, जब आप शुरू करते हैं तो जाहिर है आप हीरोइन होना चाहते हैं, फिर एक वक्त आता है आप एक्टर हो जाते हैं, सही, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर व्हाट कैरेक्टर, बद्दो समीना अहमद, इन्होंने माँ किया है उस वक्त जब वो 18 साल और 20 साल और 22 साल की थी, फिर क्योंकि वो एक्टर बन चुकी थी ना, तब तक भी उनको लगता था एक्टिंग इम्पॉर्टेंट है, हीरोइन और दादी में कोई फर्क नहीं है, वन कैन स्टिल बी द फोकल पॉइंट ऑफ अ प्ले इफ यू डूइंग रियली गुड, अगर आप ले जाते हो फोकस तो उससे क्या फर्क पड़ता है आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। डू यू थिंक द सेम? मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है कि माओं के लिए या बाप के लिए मतलब कम कैरेक्टर लिखा जाता है कि उन पर फोकस हो,
यंगर लॉट पे हीरो हीरोइन पे ज्यादा नहीं, तो हमें वो लोग उन कैरेक्टर्स के लिए बुलाते नहीं बुलाते, कोई स्पेशल कैरेक्टर आता है तो कैरेक्टर हो पेरेंट्स का ही हो मगर उसमें कोई मार्जिन हो परफॉर्मेंस का उसमें फिर बुला। हाँ मगर ये डिलेमा है, ये तुम्हारी बात एक अलग बात है, वो जो हम बात कर रहे थे वो फर्क थी कि हमें कैसा फील होता है, हमने बड़े आराम से हम उससे उसमें गए हैं बिकॉज हमें पता था कि अब अगर हम हीरोइन बनने की कोशिश करेंगे तो वेट लगेगा ना, यू शुड एज ग्रेसफुली व्हिच इज वंडरफुल। आपने अपना जॉनर बताया, दुनिया में एक्टर्स यही करते हैं तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। हैविंग सेड दैट, दुनिया में लेकिन जब जिन लोगों को एक्टिंग आती है जैसे कि अब बहुत सारे हम जो सब लोग मेजर सपोर्ट करें दे ऑल फैबुलस एक्टर्स, लेकिन उनके लिए बेसिक कैरेक्टर्स नहीं है, दे डिजर्व मोर, आई मीन दे हैव टू, दे शुड बी मोर ऑन स्क्रीन, दे शुड गेट, यानी हम, मैं अपने लिए भी इतने स्क्रिप्ट्स आते हैं तो मैं बहुत से मना करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार कुछ अच्छा, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार इतना मैं फंसी हो गया हूँ कि मेरे से ऑर्डिनरी काम होता ही नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप है। अपने आप को मिल जाए अपने के मुताबिक का मैं क्या इसीलिए कह रही थी कि राइटर्स व्हाई कांट वी राइट स्टोरीज ऑन मिडिल एज पीपल, क्यों नहीं वो हीरो हीरो पूरी दुनिया में हर तरह का काम होता है तो फिर ये भी होना चाहिए। अच्छा फैमिली लाइफ का, आई वांट टू नो व्हाट, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव एंड लाइक, आई हैव टू, एक बेटा एक बेटी, एंड व्हाट आर दे डूइंग, दे जस्ट ऑन द जॉब्स। ओके हां बेटी तो मेरे साथ अभी अब एक्टिंग दोबारा नहीं कर रही है, आ गई। अच्छा हां शी इज प्लेइंग, बहुत सालों बाद कर रही दोबारा कैरेक्टर इन रुसवाई। हां जी हां बहुत सालों बाद। हां आप कितने साल बाद डायरेक्ट कर रही हैं प्ले? मैंने लास्ट 5 साल पहले किया था। ओके मुश्किल काम है डायरेक्शन? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मुश्किल, इन द सेंस दैट बहुत, हां बहुत मुश्किल, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, इतनी रिस्पांसिबिलिटी। हां हां हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? एक दो। माशाल्लाह एंड दे आर लाइक ग्रोन अप क्या? My eldest is 24. Ajay, mashallah. Okay. And she is an e-book writer. Uska writing mein bahut rujhan hai, journalism mein rujhan hai. To usne apna BS bhi usme journalism mein kiya hai. Dusri jo hai wo medicine kari hai, final year ke final exams ho rahe hain. Mashallah. Third is in grade 8. Okay. And last is in grade 5. Lovely. Do they watch this show? Yes, they do. Camera mein dekhe hain unko kuch kahe abhi? Aap wo aapko dekh rahi hain. Nabiya Iman ye wala show zarur dekhe. अपने फ्रेंड्स को भी बताना है। बिकॉज शी टोल्ड मी कि इनके बच्चों ने इनको बताया उसमें ये वाला सेगमेंट होता है उसमें ये होता है, तो वो एविड व्यूअर्स है, मुझे खुशी हुई कि देख रहे हैं। अच्छा जरा आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप दोनों के साथ तो बहुत मजा आने वाला है। तो जनाब पहले कौन जा रहा है दोनों में से, कौन जाएगा पहले? Who wants to act? अच्छा ठीक है, पूछने की कोशिश करूंगी। 9 इज माय लकी, कुछ आसान निकल आए। सिचुएशन है या ये कोई मुहावरा है या सिचुएशन? सिचुएशन है, सिचुएशन है। हाँ तो ये तो वर्ड टू वर्ड गेस करनी पड़ेगी, थोड़ा मुश्किल है। लाइन ये क्या है जिसके पर गाड़ी चलती है, वो क्या है? ट्रैक। हाँ पटरी, गाड़ी, सड़क। हाँ हाँ ओके ओके कोई नाचते हुए? हाँ सड़क क्रॉस कर रहा है। नाचते हुए? नाचते हुए हाँ। धमाल भंगड़ा करते हुए? हाँ। भंगड़ा डालते हुए सड़क? हाँ, हाँ, क्या 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 भंगड़ा डालते हुए सड़क, सड़क क्रॉस? हाँ बिल्कुल हाँ, सही यार। अच्छा ये तो बात ही है, ये बाप यार बड़ी जल्दी यार, वैसे बहुत जल्दी गेस कर लिया। उन्होंने अच्छा नहीं है, एक्टिंग अच्छी थी या गेस वो इंटेलिजेंट? आई थिंक शी डिड वेल। I said acting is she is intelligent. Can she act? She did acting. Okay, next. Next number. Do. Muhavra ya kya? Bahut aasan hai. Muhavra. Muhavra. All right, chalo great. एक सौ बुखार, एक वो एक ना बुखार, अनार सौ, एक अनार सौ, एक अनार सौ बीमार। यार वेरी गुड यार, वंडरफुल। हाँ नहीं वो ठीक है ना, वंडरफुल यार। अच्छा एक्टिंग जबरदस्ती है। हाँ हाँ ये मुश्किल था बताने में। अच्छा अनार की भी उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग, और एक और सौ से नहीं, एक और सौ जो थे ना उनसे समझ आई है मुझे, और किसी चीज से अनार नहीं समझ आया था। एक एंड शी सेड मुहावरा या के बात गाना गाना है। ओके
किस किस से कहें फलाना। पहला एक्सप्रेशन है नाराज़। नाराज़ हाँ, हाँ नाराज़गी। नाराज़गी का एक और लफ्ज़ बताएं। उदास और परेशान और हाँ? रूठे हो तुम तुमको कैसे मनाऊं। रूठे के बाद तो गाना एक ही बनता। बेड़ा गरक अब मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाली हूँ शायद। अब देखते हैं रुबीना क्या करती है। करेंगी। अच्छा जी नंबर बताओ। 3। ओके ऐनक के बगैर पढ़ना है तो जरा पढ़ देते हैं कोई बात। ओके मुहावरा। अच्छा ठीक है। भैंस के आगे बांसुरी बजाना। यार कितना आसान। यार आज बहुत आसान रखे हैं। बहुत मुश्किल लग रहे हैं यार। ये बहुत आसान है। ये तो बहुत आसान। ठीक है अब बताओ। 1 ओके इट्स ओ मुहावरा अगेन। फिर आसान है। ओके आई थिंक सो एक्चुअली आसान है। हम बहुत इंटेलिजेंट हैं फॉर दिस गेम। दैट 2 इधर तुम आओ ना इधर सारा। दो दो हाथ करना। या दो हाथ करना। हाँ नहीं यार ये मैं नहीं खेला तो बाप मुश्किल लेके आओ यार कोई। ये क्या डाल दिया मेरे। अच्छा चलो अब मैं मुश्किल निकलवाती हूँ। हाँ 10 मैंने भी यही सोचा था कि शायद 10 मुश्किल हो। मुझे लग रहा है। हाँ ओके है मुश्किल है ना। हाँ उफ सिचुएशन। ये तो मैंने अपने आप को ही फंसा लिया। ये फंसा लिया है बेटे। हाथी। हाँ। क्या सिचुएशन है यार। पहला लफ्ज़ क्या बोला। हाथी। हाँ हाथी पर कंधे। मैं हाँ। खातून ये अपना कह रही समथिंग लाइक दैट। हाथी मेरा साथी। नहीं नहीं इट्स अ सिचुएशन इट्स अ फ्रेज। ओके ठीक है। हाँ नहीं ये जो हाथी मेरे साथी कैसे गया। इन्होंने मुझे भी हाथी बना दिया आपको भी हाथी बना दिया। हाथ हम आपने कहा दोनों हाथी मेरा साथी। आपने हमें हाथी समझा हुआ यार। ओके सो हाथी पर बैठ के सेल्फी लेना। यार वाह हाथी पे बैठ के सेल्फी ले रही है औरत। औरत भी आ गई। नहीं सही है यार। ठीक है ठीक है। तो यार वेरी नाइस यार ये तो जल्दी हो गया हमारा। यार हमारा सेगमेंट ये होता है 15-20 मिनट का। इन्होंने तो 5 मिनट ही कर दिए भाई। अभी है उसमें 6 और बैठ जाए आप। दो और। अच्छा जनाब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है और हमारे साथ मेरी बहुत फेवरेट जो एक्टर्स हैं और वो सिर्फ फेवरेट एक्टर्स नहीं है ये जबरदस्त खूबसूरत तरीन लोग भी हैं। इनके साथ अगर आप बैठ जाए ना तो आपको बहुत मजा आता है। मुझे बहुत मजा आ रहा है और एक वाइब होती है हर इंसान की। दे हैव दिस वंडरफुल वाइब। एक ब्रेक लेंगे छोटा सा मेरे साथ रहिए देखते रहिए बोल नाइट्स विद अहसन खान। और ये टाइम यूं करके भागा आज पता नहीं और समझ नहीं आया ज्यादा बातें कर ली। हम तेज हैं हम ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं बहुत तेज हैं अब तेज जा रहे हैं बहुत। मुझे लग रहा है तुम्हारे इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। हां आज इतना तेज जा रहे हैं क्योंकि यस और नो ये यस और नो हमारा ऑलमोस्ट लास्ट सेगमेंट होता तो मैंने कहा यार अभी तुमने बहुत बातें करनी थी लेकिन हम यस और नो पे पहुंच गए। हम सब एक दूसरे से मिले या ना मिले चूंकि हम एक फ्रेटर्निटी हैं और एक फैमिली हैं तो हम एक दूसरे की जिंदगियों को फॉलो करते हैं। सो आई हैव बीन एन एडमायरर ऑफ दिस गर्ल्स पर्सिवेरेंस के ये जिंदगी में जो ठान लेती है ये वो कर देती है। इसने सैलून खोलना होता है तो ये खोल लेती है फिर इसको लगता है मैंने अब शिफ्ट करना है उसको तो ये कर लेती है। सो हमने इकट्ठा काम बहुत कम किया। ये मेरे ख्याल हमारा दूसरा है जो अभी हम कर रहे हैं रिश्ते बिकते हैं
आई थिंक थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, बट इसमें हम जरा ज्यादा इंटरेक्ट करें, वरना वही जो था पिछला जो जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, हम तीनों थे जिसमें हमारा एक सीन था शायद सिर्फ इकट्ठा। सो ये वाला आजकल चल रहा है, ये वाला हमारा चल रहा है और हम इतनी खतरनाक बहने हैं, ये इतनी बुरी औरत है, ये इतनी बुरी है कि आपकी सोच है ये दोनों नेगेटिव नहीं, मैं बहुत मासूम बहन हूँ, बिल्कुल यूं है ऑपोजिट, जैसे कि ये नहीं और जैसी मैं हूँ उसके ऑपोजिट है, यानी कि ये खतरनाक है और मैं मासूम, ये नहीं नहीं लेकिन बट आई टेल यू आई एम हर फैन एंड आई थिंक शी इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल पीपल ऑफ कोर्स इन दिस फील्ड एंड आई वुड टेल हर दैट टू हर फेस टुडे जब तब भी होती है, जब हम नहीं होते जबरदस्त, हम मिले या ना मिले, इट्स देयर। क्या बात है, ये देख रहे हैं कितना प्यार आपस में लोगों का, आप देखिए जरा। ठीक है जी, यस नो पे आते हैं और सच तो बोलेंगे, मुझे पता है आप लोग सच ही बोलते हैं, नहीं मेरा मतलब ये नहीं कि कुछ लोग झूठी बोलते हैं, लेकिन हमारे सीनियर एक्टर्स है ना, वो उस चीज से गुजर चुके होते हैं कि इमेज बनाना है और ये करना है, लेकिन ये सवाल भी सिंपल से है, वेरी कैजुअल। चले पीटीआई को वोट डाला, पीटीआई से मुतमैन है ये बीच में ये देख सी देखा दोनों की ये हम हाँ, क्योंकि देखो मुतमईन, इसको जरा सा मुझे लैबरेट कर, मुतमईन होने का शायद अभी वक्त भी नहीं आया, ठीक है, इट्स बहुत बहुत जल्दी है, लेकिन चूंकि हम वो लोग हैं जो वोटर्स हैं पीटीआई के, तो हम बैकलैश भी लेते हैं लोगों के, अपने घर में भी लेते हैं, मतलब मेरे घर में बहुत सारे धड़े हैं फर्क फर्क, सो हम जवाबदेह भी हैं, तो हम एक्सपेक्ट भी ज्यादा करते हैं, तो थोड़ा सा क्विकर चेंज चाहिए हमें, ओके वी ओके ठीक है, वी वांट थिंग्स टू मूव फास्टर, ठीक है। कभी किसी बहुत ही बुरे निकम्मे एक्टर के साथ पूरा सीरियल मिला हो कि भाई सब तो इसी को भुगतना है? बड़ी दफा अभी तो तुमने सिर्फ एक्टर ही पूछा है, चलो खैर है। अच्छा डायरेक्टर भी, चलो छोड़ो उसपे भी यस है, प्रोड्यूसर भी उसपे भी यस है। अच्छा चलो प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो ये हो रहा है कि डायरेक्टर ने कुछ बता दिया, आपने थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, प्रोड्यूसर भी एक बैक सीट पे होता है, एक्टर के साथ तो आप रोज सीन कर रहे होते, वो कैसे कैसे, हाउ डू यू डू दैट? मुश्किल हो जाता है, मुश्किल। मैं तो उसमें फिर अब मैं तो फिर एक चौमुखी लड़की, ये पसे आए ना कि वो बन जाती फिर अपना पसे आए ना का जो, मैं तो फिर बता रही होती हूँ कि नहीं बेटे आपने सीन पढ़ा है, अच्छा अच्छा, मैं तो फिर क्विज भी कर रही होती हूँ ना, वहाँ पे क्विज चल रहा होता है, आपको पता है ना इससे पिछले वाले सीन में क्या हुआ था, नहीं जाए जाके पढ़ के आ जाए, अच्छा, पिछला वाला सीन पढ़ना होता है बेटे, क्योंकि मेरा काम है ये, मुझे पता है तो उसको नहीं पता तो मुझे बताना है ना। और आप क्या करते, आप चुप करके बैठे? नहीं चुप करके नहीं है ना, मैं भी बताती हूँ, बताती हूँ जरूर कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट योर करियर टू, एंड इट्स कोई भी ऐसा काम करना है तो अच्छी तरह करना है, अगर नहीं करना तो फिर कुछ और करो, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, मैं कभी ये कह भी देती हूँ, ठीक है। यूथ में कभी फिल्म की ऑफर हुई? बहुत, हाँ हाँ, एज अ हीरोइन, अच्छा हमें वो यस बोले ना, मेरा ख्याल है हमने हमने जब पहले पहले अपने ड्रामे किए थे, पहले दूसरे तीसरे, तो ऑफर्स आनी शुरू हो गई थी उस वक्त, और उस वक्त अच्छी भली फिल्में तो दिल नहीं किया था फिल्म करने का, दिल किया इजाजत ही नहीं थी बताया, लेकिन दिल किया होगा करने का कि ये फिल्म, नहीं दिल किया, मैं बताती हूँ क्या हुआ ये कि जब मुझे उस जमाने में ये होता था कि नंबर्स का तो इतना मोबाइल थे ही नहीं, तो डायरेक्टर से रबते होते थे, तो फिल्म डायरेक्टर्स का काजिम पाशा साहब से रबता होता था, वो कहते थे कि भाई फिल्म के लिए फलां डायरेक्टर का फ़ोन आता है, और मैं कहती थी सर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक दिन मैं लाहौर गई और हमारे ड्रामे की शूट थी, अयूब खावर साहब का प्ले था, फिल्म स्टूडियो कौन सा था जहाँ, एवेन्यू, एवेन्यू, तो सलीम शेख मेरे साथ, तो मैंने कहा मैंने कभी फिल्म की शूटिंग नहीं देखी, ही सर आओ मैं दिखाता हूँ, तो हम वहाँ गए, बिल्ली फिल्म की शूट हो रही थी, सैयद नूर साहब, मैंने जब वो इस तरह से एंटर हुए हैं और नई नई, मतलब इतनी दो चार ही प्लेस किए थे मैंने, तो मैंने जब इस तरह से देखा तो वो एक स्टेज सा बना हुआ था, सेट था मगर उसमें स्टेप्स लगे हुए थे,
स्टेप्स पे बंदे बैठे हो, किसी ने बनियान पहनी हुई है, किसी ने खाली शलवार और बनियान पहनी हुई है, कुछ सीन ऐसा होगा, होगा कुछ ऐसा सीन। मैंने कहा सलीम चलो, अब वो माइक ऑन ऊपर आवाज जा रही थी सलीम से, मैंने कहा चलो यहाँ तो कोई औरत नहीं है चलो। तो इतने में सैयद नूर साहब आए, आपको औरत से भी मिलवाते हैं, बुलाओ भाई उनको जो हैं हीरोइन हमारी, तो मास्क पहना हुआ फिर वो आई, तो मैं बड़ी शर्मिंदा भी हुई लेकिन वाकई मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अच्छा तो दिल भी नहीं चाहा कभी इस तरह। ठीक है, फिल्म के टॉपिक्स, क्योंकि फिल्म के टॉपिक्स ऐसे होते थे जो उस जमाने में भी टेलीविजन के करीब नहीं होते थे, टेलीविजन बहुत फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा बनता था 20-10 साल पहले 15 साल पहले, अभी थिंग्स हैव चेंज्ड। ज्यादा तो हम जैसे लोग हम इस बात से भाग जाते हैं, डांस कौन करेगा, और अच्छा बिल्कुल दरख्तों के गिर्द घूमेगा कौन, घूम के डांस करना होता था, मतलब उस जमाने में बहुत जरूरी होता जरूरी था। हाँ अब भी कर रहे हैं डांस, फर्क हो गया ना थोड़ा सा, सही है। आई बेट अब आप दोनों कर लेंगे डांस, अब थोड़ा इनहिबिशन नहीं होंगे, अब डांस वांस हो जाएगा नहीं हो, मुझे लगता है। अब तो मैं समझती हूँ कि डांस कोई बिना वजह क्यों करता है, आई मीन व्हाई आइटम सॉन्ग्स, सही है हाँ, बिना वजह का डांस, हाँ अब लॉजिक प्रिवेल करनी चाहिए हर चीज में। कभी सेट पे किसी से झगड़ा हुआ? मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, आप दोनों में से बताएं। हुआ कभी? यार ये तो क्या क्या बहुत ज्यादा हुआ, मेरे सामने तो नहीं हुआ कभी। मैं जब सेट पे जाती हूँ तो सब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आपा कैसी हैं, मैं कहती हूँ आती तो मैं घर से ठीक हूँ, पर तुम लोग रहने नहीं देते ठीक। यार बेचारे क्या करते हैं। अच्छा बहुत, सबसे पहले तो चाय पानी लाते हैं, लाते ही नहीं है, चलो लाते ही नहीं है। अच्छा एक मिनट मुझे याद आ गया, इनका सबसे पहला मसला क्या होता है, ये चाय कैसे आई, ये बर्तन कैसे ले जाओ ना, दूसरा ये धो के लाओ, दूसरा ये बाथरूम में, ये बाथरूम से गंदा किया उसको साफ करो चलो। एग्जैक्टली ये पहला, ये पानी पे एक बात होती है, बैठे तुम्हारे घर में कोई आता है पानी पिलाते हो ना, तो मैं आ गई हूँ पानी पिला दो, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक्चुअली वैसे भी पानी ज्यादा पीते हैं, जब आप कहीं जाते हैं ट्रेवल करके आधा घंटा घंटा, यू गेट थर्स्टी, उसके बाद चाय का मग आता है जो हर तरफ से गंदा होता है। ओके बड़े फिर ये इश्यूज है, मैं फिर कहती हूं बड़े इश्यूज हैं। हां बेटे ये जो मग है ना इसको धो के लाओ, ऐसा जैसे ये कुंडे वुंडे सब है ना चमकते हुए हों, है ना, और अगर ये तुम अगली दफा ऐसा वाला लाए मैं तुम्हारे सर पे तोड़ दूंगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हां मतलब इतने प्यार से करता है तो समझ जाना चाहिए। यही इस इन इश्यूज पे लड़ाई होती है कि प्रोड्यूसर जो है वो बड़ा कंजूस है, वो इतना बजट है हमारा, ये नहीं अव्वल तो मैं ये नौबत ही नहीं आने देती, आई ट्राई कि बस ठीक है मैं अपना खुद ही गुजारा कर। अच्छा कभी अपने सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाया कहीं पे? ऑफ कोर्स ऑल द टाइम। हां फायदा उठाया नहीं मतलब फायदा हो जाता है मतलब लोग मोहब्बत करते हैं, हमें भी पता होता है ना कि फलाने ऑफिस में जाएंगे तो जरा जल्दी काम हो जाएगा, या विल बी टेकन केयर ऑफ, दैट हैपेंस ऑल द टाइम। कभी किसी फैन ने प्रपोज किया? नहीं नहीं किया नहीं। हाँ बोरिंग यार, कितनी बोरिंग बात है। हाँ बोरिंग, हाँ बोरिंग इज दैट, लाइफ इज वेरी बोरिंग। ओके जब काम शुरू किया था तो शादियां ही होगी ना, करो ना हमें काम, और हमने काम शुरू किया तो शादियां होगी थी हमारी, किसकी हिम्मत थी प्रपोज करने की, कोई ऐसा मौका ही नहीं, मोहब्बत में कर ही देते प्यार में, ऐसे कोई फैन दीवाना पागल नहीं, कमाल है कमाल है। कभी किसी को धमकी दी? रोज यार, तो ये कौन है यार, ये कौन है बता तो रही, ये लगती नहीं है छोटी सी दुबली पतली, ये लगती है धमकियां दे रही लोगों से लड़ी, लगता नहीं। मैं तो लेफ्ट राइट सेंटर धमकियों पे जिंदगी है मेरी, तो घर से लेके शुरू होती हूँ काम से लेके वापस आके बच्चों से, याद नहीं है मुझे नहीं। कभी गलती से किसी मॉल में सिनेमा में कहीं पे फीमेल वॉशरूम की बजाय मेल वॉशरूम में घुस गई? नहीं गलती से, मत इतना कूके दरवाजा मैंने खोलने की कोशिश की है मगर उसके बाद आई रियलाइज कि नहीं ये वाला जो आइकन बना हुआ है ये कुछ मेल लग रहा है। ठीक है कभी किसी की बुराई करनी हो, ये मैं वैसे काफी लोगों से पूछ चुका हूँ, और मैसेज लिखे हो तो उसी को कर चला गया हो मैसेज? शुक्र है नहीं, वेरी केयरफुल, यू बोथ आर वेरी केयरफुल। और ये मगर मैंने सोचा है कि ये अगर ये हो गया तो सेंड तो नहीं हो गया कहीं गलती से, कहीं इस वक्त मैं उन्हीं से बात करी थी और नहीं, अब डिलीट ऑप्शन आ गई, लेकिन अगर देर हो जाए डिलीट करना तो बड़ा मसला है। ठीक है कभी किसी को प्रैंक कॉल की है? ये नहीं गलत मतलब अभी नहीं पहले, अब तो नंबर्स आते हैं, कभी कोई एक्टर थे जिनको करती? ये तो मैं नहीं बताऊंगी लेकिन हम तस्मीना के पास गए वो प्ले कर स्कॉटलैंड अच्छा तो वहाँ अब
मिमिक्री मेरी अच्छी है तो आई वॉज वेरी नॉटी ऑल्सो. ओके तो हम बॉस क्या यू आर तो वो फोन करते थे हम जो हमारे एक्टर्स होते थे वहाँ पे उन्हें मैं कभी कोई ब्रिटिश लड़की बन के फोन हाय दिस इज जैस्मिन यू नो आई हैव अ स्टेप मॉम एंड शी इज वेरी क्रूअल विद मी एंड यू नो माय डैड ही इज सो हेल्पलेस कहानियां बना के ये कर देगा. अच्छा तो मिलने का टाइम वाइम तय कर लिया था. अच्छा किसी को पागल बना दिया. संजीदा हो गए थे वो. हां बहुत संजीदा हो गए थे. फिर एक उन्हीं के जानने वाले थे कोई उन्हें फोन किया तो बाद में मुझे पता चला भी कि उनकी डिवोर्स भी हो गई है मेरी वजह से नहीं वो बाद में उनकी कोई हरकत ही ऐसी थी. अब हम ढूंढेंगे. अच्छा ये सुनो रुबीना बहुत मजे की बात. मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ समझो वहाँ के वो उनके नेबर ही थे. ठीक है. कोई रात के 2 बजे वहाँ पे 2 बजे का मतलब है सन्नाटा. हाँ जाहिर है. वीकडे 8 बजे का भी ये मतलब है. तो मैं कॉल कर रही हूँ या कैन आई स्पीक टू मलिक पता नहीं क्या नाम था जो भी. तो एक दफा उन्होंने कहा कम टू माय ऑफिस टुमारो. अब मैं एक्सप्रेशन इसलिए कि मैं उनसे मिली मुझे पता है उन्होंने कैसे कहा होगा. एक दफा कॉल किया दूसरी दफा कॉल की सिर्फ उनकी बीवी ने उठाया. तन्नु बहुत ही आखिर आई हुई है. अच्छा बस उसके बाद सब हंसना शुरू हो गया. वो स्पीकर फोन पे बात होती थी. लाइक नाइस फन. हां इट वाज फन. यू हैव नेवर डन दिस. नो आई हैव नेवर डन दैट. ठीक है जी. ये बताएं कि शूटिंग पे कभी बहाना मारा और कभी तो जिंदगी मारा मेरी तबीयत ठीक नहीं आज मैं नहीं आ रही लेकिन तबीयत ठीक हो. नेवर. हाँ शुरू शुरू में नहीं बच्चों के लिए. इफ आई हैड टू गो समवेयर विद देम तो शुरू में बिकॉज वो टाइमिंग इतने ऑड होते थे. जब आप शुरू करते हैं ये काम आज से 15-20 साल पहले जब पीक पे था तो उस वक्त तो टाइमिंग हमारे भी यही होते थे ना सुबह 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक. अगले दिन के 10 बजे तक भी. हाँ, रातों में भी शूट्स होते थे. अब तो जरा सेटल डाउन हो गई. चेंज आती थी उस वक्त जनरेटर नहीं होते थे ना. वो तो हम बैठे रहते थे साहब. कुर्बानी काम तो करना है सुबह करेंगे जब बत्ती आएगी. तो फिर आई यूज्ड टू फील वेरी गिल्टी. ठीक है किसी प्रोजेक्ट को साइन करके छोड़ा हो फिर कि यार ये तो गलती हो गई अब खुदा हाफिज. नहीं आई डोंट थिंक नेवर. वंस यू आर इन इट सो यू आर इन इट. एक दफा हाँ कह दिया. कभी गुस्से में आके सेट छोड़ के चली गई. हर रोज दिल चाहता है बट नो नेवर. I really can't remember. नहीं मैंने तो नहीं छोड़ा. जो किया होता है ना उस पे बोलते हैं I can't remember. नहीं नहीं मतलब पहले अगर कोई मुझे ये याद है कि पहले बहुत लोग तंग करते थे मतलब रूड एंड ये नहीं जैसे रुबीना ने जो बातें कही हैं पानी और खाना और इन चीजों पे अब इतना बुरा तो वो अब नहीं है इतना. नहीं पाकिस्तानी ड्रामों में टैलेंट जो है एक्टर्स पहले से ज्यादा हैं बेहतर. यानी अब के एक्टर्स ज्यादा अच्छे. यस और नो. बड़ा मुश्किल सवाल. ये भी बीच में ही है कहीं. यस एंड नो बोथ. क्योंकि देखो एक्टर्स अब आसान है उनके लिए काम क्योंकि वो थोड़ा बहुत उनको दुनिया के से वो सीख रहे हैं. और हमारे ज़माने में जो लोग आते थे उन्होंने घर में टीवी भी नहीं देखा हुआ था. हम कहाँ थे. हमारा कोई एक्सपोजर नहीं था टू दिस फील्ड. उस वक्त कोई भी फिल्में नहीं थी. दुनिया की भी हम नहीं देख रहे थे. अपनी भी बहुत कम थी. सो उस वक्त की डेडिकेशन बहुत थी. अब व्हाट वी लैक इज द डेडिकेशन प्रोफेशनलिज्म. हाँ जो हम अब आज के बच्चों में जो ज्यादा है क्योंकि उसका उनका एक्सपोजर ज्यादा है तो उनकी एक्सपर्टीज ज्यादा है. मे बी दे कैन जस्ट गो आउट एंड डू एनी थिंग. दे कैन डांस फॉर वन थिंग. हमारे जमाने में स्पिरिट ज्यादा थी. हम बहुत डेडिकेशन बहुत और दूसरा ये कि पहले के ड्रामे देखो कोई अननेसेसरी म्यूजिक नहीं था. कुछ नहीं था किसी चीज का सहारा. अगर आप डायलॉग बोल रहे हैं तो वो उसी में सारे एक्सप्रेशन है आपके. अब तो इतना म्यूजिक है इतना बैकग्राउंड म्यूजिक गाने हेल्प है बहुत. ओके ये चीजें उस वक्त सॉलिड काम. ठीक है जनाब जबरदस्त हो गए. ये तो बड़े अच्छे सवाल हो गए. और आई थिंक ड्राइविंग लाइसेंस है. था. सो यू डोंट ड्राइव एनीमोर. आई डू. और लाइसेंस की वजह से लाती गाड़ी. अल्लाह की कसम पसे आईना है ना. मैं तो यार आई लव हर फॉर दिस. पहला इंसान जिससे आके बोला मेरे पास लाइसेंस नहीं भी है फिर मैंने गाड़ी चला ली. हाँ मैं कह रही हूँ था.
एक दिन किसी ने रोका, एक दिन किसी ने रोका, उसने कहा आपका लाइसेंस किधर है, मैंने कहा ले लो, उसको दे दिया, वापस ही नहीं रिट्रीव किया. उसके बाद कोई मुझे रोकता नहीं कि मैं डिफेंस में ही गाड़ी चलाती हूँ सिर्फ. ठीक है. सो यू नो जिन गलियों में हम गाड़ियां चला रहे हैं वहाँ कोई पुलिस नहीं है. प्लीज फाइंड दैट पर्सन. अब जब किसी ने अगर ये प्रोग्राम किसी पुलिस वाले ने देख लिया, अब जब आप गुजरे इन्होंने बोला ये तो रुबीना जा रही बगैर लाइसेंस, रोको इसको. नहीं रोकते ना सबके, वो तो सारे मेरे यू नो हम प्रोफेशन है ना. सही है. चले जना वेरी नाइस. अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए बोल लाइट्स विद मी. जनाब वेलकम बैक. और अब टाइम हो गया ऑब्वियसली हमारा शो का टाइम तो ऑलमोस्ट इज गॉन. बट एक तो ये कि मैं दिल से और बहुत आप दोनों की रिस्पेक्ट, बहुत प्यार, एंड यू गाइज आर अमेजिंग. मे यू शाइन ऑलवेज, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, और जिंदगी अच्छी हो, सेहत वाली हो, और अच्छा अच्छा काम करें. एंड बोथ ऑफ यू, I really love you very much. Thank you for being on the show. Thank you for inviting. It was wonderful being with you on the show. Lovely. जाते जाते हमारे लोगों के लिए कुछ खास मैसेज है, आप कुछ कहना चाहेंगी, फिर आपसे भी देते हैं मैसेज. You want to say something? मैसेज मेरा आज का यही बन रहा है कि जो भी लोग इंस्टा पे हैं और वो एक्टर्स को फॉलो करते हैं, प्लीज डोंट जज सेलिब्रिटीज टू हार्शली. डोंट डू दैट. सही. ये आपको इवेंचुअली बुरा इंसान बनाती है बात की. जब आप इतनी तेज़ी से किसी की बुराई कर देते हैं ना, बगैर सोचे समझे, उसको स्पेस नहीं देते, आप सोचते हैं कि उसका कोई हक नहीं है कि वो अपने लिए डिसाइड करे कि उसने क्या पहनना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, तो ये ज़्यादती है. दुनिया बहुत आगे चली गई. अपने काम से काम रखें. अगर आपको कोई बुरा लगता है ना, तो फिर हट जाएं उसको, उसको अपने इंस्टाग्राम अनफॉलो कर लें उसको. डोंट लुक एट दैट पर्सन अगेन. But don't be too harsh. बुरा लगता है. मजे कैसे लेंगे, देखेंगे भी और बुराई भी करेंगे. मजे तो लेने. But as a nation हम बहुत बुरे लगते हैं कि हम हर बात में सबसे पहले क्रिटिसिज्म और गंदा वाला क्रिटिसिज्म करते हैं. That's really bad. सही, बिल्कुल सही जी. आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी इससे हटके, रुबीना ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, उसमें मैं ऐड करूंगी कि आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम भी बेहतर शहरी बने, हम में भी सिविक सेंस हो. और मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये मैसेज तमाम देखने वालों को देना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी हमारी भी है इस शहर को, इस मुल्क को साफ सुथरा रखना. और इतनी आबादी है, अगर इतना इतना सा काम भी हर कोई अपना कर लेगा तो कितना फ़र्क पड़ेगा. इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस. लेट्स बी गुड सिटीजंस ऑल्सो. फिर हम हुकूमत से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी अपना काम करें. हम तो अच्छे शहरी बने. जबरदस्त जी, वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड इंशाल्लाह सी यू अगेन सम अदर डे. इंशाल्लाह. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. और जनाब आप भी अपना ख्याल रखिएगा. इतने अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलवाते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें, बताइएगा. और किन से मिलना है अब वो भी बता दीजिएगा. वैसे मेरे पास मैसेजेस की भरमार है कि इनसे मिला, इनसे मिला, इनसे मिला. एक और हमने आपको आज खास बात कहनी थी. अच्छा, जो हम अभी तक कह नहीं पाए हैं. वो है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर एहसान.